हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स मेरा नाम है संजय पटेल तो अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है इधर उधर से तो उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा उसके लिए हम पहले से माफी चाहते हैं और हमारा टॉपिक आज का है ऑप्टिक्स तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के लगभग चार से पाँच क्वेश्चन आते हैं ठीक है फोर टू फाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर आपके नीट में पाँच क्वेश्चन आए थे ठीक है वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स मिला के तो so, उन पांचों क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे ठीक है और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे और ये टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोग को सीखना है क्योंकि यहाँ अब देखिए पांच क्वेश्चन का मतलब होता है अच्छा खासा वेटेज ठीक है ये बीस नंबर का वेटेज है इसका तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सो so, पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं आपके नीट टू का टू सिमिलर थीन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ आर केप्ट कॉ एक्सली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर सच दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज एफ द स्पेस बिटवीन द टू लेंस इज फिल्ड विदिशरीन विच हैज सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यूजिकल टू वन पॉइंट फाइव एज दैट ऑफ ग्लास दोकल यहां पर आपसे एफ वन और एफ टू का रेशियो पूछा गया तो इसमें एफ वन बता रहा है कि की जिससे दो तीन लेंसेज है ठीक है इक्व कैनवेस लेंस है तो इनका जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो है एफ वन ठीक है अब बाद में करा है कि इनके बीच में ग्रेसरीन फिल किया गया है जो दोनों लेंसेज के बीच का जो स्पेस दिखाई दे रहा है तो ये इस स्पेस को ग्लिसरीन से फिल किया गया है ठीक है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव है और इसका भी वन पॉइंट फाइव जैसा बताया गया है क्वेश्चन में आपके ठीक है तो अब इसको फिल करने के बाद जो इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका जो फोकल लेंथ है वो एफ टू है तो आपसे एफ ऑन एस टू एफ टू पूछा गया है ठीक है तो अब देखिए पहले आप एफ ऑन निकाल लीजिए बाद में एफ टू निकाल लीजिए बस आपको उसका तो रेशियो पता चल जाएगा देखिए एफ ऑन निकालने के लिए हम क्या करेंगे वन अपन एफ ऑन अब इसकी फोकल लेंथ एफ है इसकी फोकल लेंथ एफ है तो वन अपान एफ प्लस वन अपान एफ देखिए वन अपान एफ टू वन, वन अपान एफ प्लस वन अपान एफ देखिए दोनों का, एकुण का एकुण था तो दोनों का फोकल लेंथ एफ था ठीक है तो वन अपान एफल टू टू बाई एफ आ गया तो एफ ऑन स्क्ल टू आ जाएगा एफ बाई टू ठीक है अब ये होगा अब देखिए अब यहाँ पे एक वन पॉइंट फाइव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जिसका ग्लिसरीन उसको फिल किया गया ठीक है इसके बीच में अब इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ एफ टू होगा तो देखिए अब यहाँ पे ये इक्व कॉन्वेक्स लेंस है ये भी इक्व कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके बीच का जो हिस्सा क्या बन जाएगा ये इक्व इक्कीन बन जाएगा तो देखिए अब कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ एफ है तो कॉनकेव का माइनस एफ होता है ठीक है तो अब एफ टू आप निकालेंगे तो एफ टू हो जाएगा वन अपान एफ देखिए इसका वन अपान एफ हो जाएगा और अब इसका लिखना है हमको कॉनकेव वाला जो है तो ठीक इस है इसका माइनस में लिख देंगे वन अपान एफ और प्लस वन बाई एफ इस लेंस का ठीक है तो एक एक तो कैंसिल हो जाएगा तो एफ टू इज टू आ जाएगा एफ तो एफ वन अपान एफ टू की वैल्यू आपकी आ जाएगी एफ बाई टू अपॉन एफ 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 कैंसिल तो आ जाएगा ठीक है अब वैसे भी आप देख सकते हैं जैसे एक कानवेक्स लेंस है और ये कान केव है तो कान कान्वे, कानवेक्स का इफेक्ट खत्म कर देगा तो एक कॉन्वेक्स ही तो बचेगा लास्ट में तो ये एफ टू क्या हो जाएगा भाई एक कानवेक्स जो बचेगा उसका फोकल लेंथ हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो जब फोकल लेंथ हम लोग ऐड करते हैं तो वन अपान करके जोड़ते हैं ठीक है वन अपान एफ इज टू वन अपान एफ प्लस वन अपान एफ दोनों काम जोड़ देंगे बस आपका आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए प्रिज्म से क्वेश्चन आया था तो प्रिज्म का क्वेश्चन तो मैंने करा दिया एक पूरी वीडियो मैंने केवल प्रिज्म के लिए बनाई थी उसमें तो प्रिज्म के सारे क्वेश्चन मैंने करा तभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्वेश्चन आपका इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर द पियर ऑफ मीडिया इन कॉन्टेक्ट वॉल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है इसमें कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रिफ्रेक्टिव एंगल क्या होगा ठीक है तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन देखिए जब 90 डिग्री होता है ठीक है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन जब 90 डिग्री होता है तब क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है बस ये कॉन्सेप्ट है तो ये आपको याद करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो एक क्वेश्चन ये आया तीन क्वेश्चन हो गए नीट 2019 के अब चौथा क्वेश्चन है आपका हुई कलर ऑफ द लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो वेवलेंथ आपको निकालना है तो बिब्योर आप याद कर लीजिए वी आई वी जी वाई वो आर अब इधर जा, बढ़ते जाओगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है तो रेड ऑप्शन में दिया गया तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए लॉन्गेस्ट रेड कलर अब ये नीट बेबलिन लेवल का क्वेश्चन नहीं है अब इसमें कुछ नहीं था इसीलिए कटाव भी इतना हाई गया था ठीक है इसी तरह का पेपर बना था तो हिज कलर आपदी लाइट है लॉन्गेस्ट बेबलिन तो सबसे ज्यादा रेड कलर की और सबसे कम किसकी होगी वायलट कलर की होगी बस ये ऑर्डर आपको याद रखना है बीबीओर से ठीक है लेमडा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सबसे कम वायलट की और सबसे ज्यादा रेड कलर की तो ये भी क्वेश्चन नाइनटीन में आपके और लास्ट क्वेश्चन जो आपका जो नाइनटीन में पूछा गया था ठीक है द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेस्ट विद द रेनबो ठीक है रेनबो फॉर्मेशन होता है तो उसमें रॉन्ग आपको ढूंढना चार ऑप्शन दिया गया है तो इसमें एक ऑप्शन गलत है उसको आप लोग को ढूंढना है तो पहला ऑप्शन है रेनबो इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ दी सनलाइट तो ये तो सीधे सीधे पॉइंट है ये सही है एकदम सही है ठीक है रेनबो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है व्हेन द लाइट रे अंडरगो टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन यू वाटर ड्रॉप ए सेकेंडरी रेनबो इज रेनबोज ये भी सही है जब टू इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो सेकेंडरी रेनबो भी बनेगा ठीक है तो ये भी सही हो गया आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स इन द सेकेंडरी रेनबो बिल्कुल सही है भाई जो ऑर्डर कलर का होगा तब सेकेंडरी जब बनेगा रेनबो तो वो कलर रिवर्स हो जाता है ठीक है ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और जो लास्ट ऑप्शन है एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो वेन हिज फ्रंट इज टूअर्ड द सन ये आपका ऑप्शन आप गलत है ठीक है ये अगर स्टेटमेंट सही होता तो इसमें लिखा होता एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो वेन हिज बैक इज टूअर द सन जब उसका बैक सन की तरफ होगा तब वो रेनबो को देख सकता है तो ये ऑप्शन आप आपका गलत हो जाएगा ठीक है यहाँ पर डी ऑप्शन सही है ऑब्जर्वर का बैक जब सन की तरफ होगा तब उसको रेनबो दिखाई देगा ठीक है तो ये हो गया पांचों क्वेश्चन जो आपके नीट 2019 में पूछे गए थे ठीक है अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं तो अब देखिए प्रिज तो वाले क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे इस चैप्टर में ठीक है वेव ऑप्टिक्स और रे hey ऑप्टिक्स में जो हमने प्रिज के क्वेश्चन कराए हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा ठीक है अब प्रिज के क्वेश्चन इसमें हम और नहीं कराएंगे अब इसमें आपके ऑप्टिकल uh, इंस्ट्रूमेंट वाले जो क्वेश्चन उनको हम कराएंगे और वाईडीएससी वाले क्वेश्चन कराएंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के जो क्वेश्चन है उनको कराएंगे और पोलराइजेशन वाले जो क्वेश्चन है उनको कराएंगे बस यही ट्रेंड है इसी चार तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं देखिए क्वेश्चन है आपका उड़ीसा नीट टू का ठीक है एंड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैी इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ बाय प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस द पावर ऑफ वन पार्ट विल बी ठीक है जैसे कोई लेंस था आपका ये लेंस है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको कह रहा है यहाँ से काट दिया जाए ठीक है तो यहाँ से काट दिया जाएगा तो ऐसे बन जाएगा एक पार्ट नीचे से हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा तो आपसे पूछ रहा है कि अब जो अलग अलग दो पार्ट बने आपके तो उनका पावर क्या होगा तो इस तरह जब भी कटिंग होती है तो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होता रेडियस ऑफ कर्वेचर अब भी इसका वही होगा ठीक है जो आर इसका था तो आर इसका भी होगा तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी नहीं चेंज होगा और जब फोकल लेंथ नहीं चेंज होगा तो पावर इज कल टू होता है वन बाई एफ तो जब फोकल लेंथ चेंज ही नहीं हुई तो पावर भी चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका पावर वही रहेगा जो पहले था इसका मतलब पावर पी ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया था एन इ्यून कॉन्वेक्स लेंस लेंथ पावर पी तो पावर पी था तो पावर पी ही रहेगा ठीक है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो आपके नीट 2018 में पूछा गया था एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कान मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टूअर्ड द मिरर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज बिल बी ठीक है अब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये कोई आपको दिया गया है कान मिरर ठीक है ये हो गया कान मिरर तो इसमें कह रहा है आपसे कि इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो यह फिजिकल टू हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर अब एक बार कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर रखा था मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था ठीक है 40 सेंटीमीटर पर रखा था तो उसके बाद क्या किया गया कि इस ऑब्जेक्ट को ट्वेंटी सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया गया ठीक है टूवर्स द मिरर तो टूवर्स द मिरर ट्वेंटी सेंटीमीटर इधर लाओगे ठीक है तो अब मान लो कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे आ गया ठीक है ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया पहले यहा था तो अब पूछ रहा है कि इमेज की पोजीशन कितनी शिफ्ट होगी तो इसका मतलब पहले हमको इमेज निकालना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जब ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर तब इमेज कहां थी और फिर हमको निकालना पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा ट्वेंटी पे तब कहां होगा तो बस हमको शिफ्ट पता चल जाएगा किस तरफ गया ठीक है तो पहले देखिए अब एक तो तरीका है जो सब लोग लगाते हैं वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज्कअल टू वन बाई एफ लगा के हम लोग निकालें ठीक है और दूसरा तरीका होता है मैग्नीफिकेशन तो मैग्नीफिकेशन हम निकाल लेंगे तो इमेज की पोजीशन हमको पता चल जाएगी क्योंकि मैग्नीफिकेशन क्या होता है मैग्नीफिकेशन वी वाई यू होता है ठीक है या आई अपान आई अपान ओ ठीक है इमेज की पोजिशन ऑब्जेक्ट की position. तो इससे हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे तो इमेज की पोजीशन पता चल जाएगी तो देखिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिरर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ माइनस यू ठीक है F F U, ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है इसको आप याद करिए ठीक है ठीके? इसको याद करना बहुत ही जरूरी देखिए अब देखिए इसे कैसे सिंपली एकदम लग जाएगा तो हमको एम निकालना है तो एम हम निकाल लेंगे एफ की वैल्यू आपकी आ गई फिफ्टीन एफ की वैल्यू फिफ्टीन और माइनस पहले आ, कितना सेंटीमीटर था फोर्टी सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है फोर्टी सेंटीमीटर पर इसको लिखो आप फोर्टी सेंटीमीटर तो फिफ्टीन माइनस करोगे तो माइनस ट्वेंटी तो इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा ये थ्री हो जाएगी ये फाइव आ जाएगा ठीक तो थ्री बाई फाइव मैग्निफिकेशन आया तो पहले कितना था फोर्टी तो सेंटीमीटर तो, तो आप इससे निकालिए आप ठीक है तो आप थ्री बाई फाइव इक्वल टू इमेज की पोजिशन अपान ऑब्जेक्ट की पोजिशन तो आप लिखोगे आई अपॉन ओ और वो क्या था फोर्टी सेंटीमीटर तो फोर्टी इधर आ जाएगा ठीक है आई आपको निकालना है तो ये हो जाएगा फोर्टी पांच अट्ठे चालीस ये कितना हो जाएगा चौबीस लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि देखिए यहां पे क्या आता था माइनस थ्री बाई फाइव ठीक है तो ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस का मतलब क्या हुआ इसी तरफ कहीं बनेगा इमेज ठीक है तो पहले इमेज कहां था फोर्टी सेंटीमीटर वो सॉरी पहले इमेज कहा था ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर पे था ठीक है अब दूसरी बार आपको निकालना था फिर ये मैग्निफिकेशन से लगा लो तो एम इजकल टू एफ की वैल्यू है फिफ्टीन और फिर क्या था यह माइनस यू था फिर से फिफ्टीन ऑब ऑब्जेक्ट कहां रखे हो ट्वेंटी सेंटीमीटर पे तो फिर से निकाल लो तो फिफ्टीन अपॉन ये बच्चे का नीचे फाइव ये हो जाएगा थ्री ठीक है माइनस थ्री अब मैग्निफिकेशन कितना है माइनस थ्री तो फिर से लिखो माइनस थ्री इज कल टू आई अपान ओ ओ कितना था ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इसको ट्वेंटी कर दो ठीक है तो यहाँ पे आई आ गया माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर मतलब इसी तरफ कहीं चला गया माइनस है क्योंकि देखिए अब ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो रे इधर जाएगी और आपको मेजरमेंट कहाँ लेना होता है पॉइंट ऑफ एक्शन से ठीक है थीके? तो पॉइंट ऑफ एक्शन से मेजरमेंट ले जब इस तरफ जाओगे आप तो इधर कहीं बनेगा माइनस सिक्सटी तो देखिए पहले कहाँ था माइनस ट्वेंटी फोर पे तो यहाँ फोर्टी है ये ट्वेंटी है तो कहीं यहीं पे रहा होगा ट्वेंटी फोर बाद में कहाँ चला गया इधर कहीं सिक्सटी ये फोर्टी है तो यहां पे आ गया सिक्सटी तो मतलब कितना शिफ्ट हुआ थर्टी सिक्स और ट्वेंटी तो 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 शिफ्टिंग हुई थर्टी सिक्स सेंटीमीटर की तो ऑप्शन में दिया गया है अब देखिए थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर सेकंड ऑप्शन दिया गया है थर्टी सिक्स सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर तो यही तो हो रहा है अवे फ्रॉम द मिरर आप जा रहे हो थर्टी सिक्स सेंटीमीटर बस हो गया और इस फार्मूले में साइन नहीं रखना है ठीक है ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया है एम इज टू एफ अपान एफ माइनस ही तो इसमें साइन आप मत रखना साइन रख के निकाला गया है तो इसमें साइन दोबारा यूज नहीं करना है ठीक है तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इससे आप कई क्वेश्चन लगाएंगे ठीक है अब देखिए एक चीज इसमें मैं और बता दूँ आपको ये कोई कान के मिरर है ठीक है थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है इसको सीखना अब ये हो गया फर्स्ट फोकस ये हो गया आपका सेकेंड फोकस ठीक है ये टू एफ के बराबर होता है ठीक अब देखिए हम इसको चार क्वार्टर में डिवाइड कर रहे हैं ये हो गया फर्स्ट ये हो गया सेकेंड ये हो गया थर्ड ये हो गया फोर्थ तो इससे पता चल जाएगा आपका इमेज टू वर्ड बनेगी क्या बनेगी इतना तो आप पता लगा ही सकते हो ठीक है कहा बनेगी ये भी पता लगा सकते हो तो देखिए अब इसका एक सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है पहले तो मैंने क्या किया फर्स्ट फोकस है सेकंड फोकस है और इनको वन टू थ्री फोर में डिवाइड कर लिया ठीक है तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट में होगा तो इमेज सेकंड में बनेगा ठीक है अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट में होगा इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट में होगा तो इमेज सेकंड में बनेगी और अगर ऑब्जेक्ट सेकंड में होगी तो इमेज फर्स्ट में बन जाएगी ठीक है <coughs> 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 और दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट थर्ड क्वार्टर में रखा गया है तो इमेज फोर्थ में बनेगी और फोर्थ में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज थर्ड में बनेगा बस इतना आपको याद रखना है फर्स्ट में रखोगे सेकंड में बनेगा थर्ड में रखोगे तो फोर्थ में बनेगा फोर्थ में रखोगे तो थर्ड में बनेगा और सेकंड में रखोगे तो फर्स्ट में बनेगा बस ये या आपको याद रखना है तो इस क्वेश्चन में अगर देखना होता आपको तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ इसकी दी थी फिफ्टीन सेंटीमीटर तो फिफ्टीन सेंटीमीटर कहीं यहीं पे होगा ठीक है फिफ्टीन सेंटीमीटर यहीं पे होगा और इसका दूसरा फोकस कितना थर्टी सेंटीमीटर का हो जाएगा ठीक है सेकंड फोकस कितना होगा थर्टी सेंटीमीटर का होगा तो अब देखिए पहली बार ऑब्जेक्ट कहां रखा था फोर्टी सेंटीमीटर पर मतलब कि फोर्टी सेंटीमीटर कहां आएगा सेकंड 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 फोकस फोकस के के इस तरफ, तो के इस तरफ तरफ मतलब तो 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 मतलब फर्स्ट 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 में 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 रखा हो तो जो में रखा हो बचता जो होता तो सेकंड में इमेज बनती सेकंड में मतलब कि दोनों फोकस के बीच में तो दोनों फोकस के बीच में मतलब कि पंद्रह और तीस के बीच में कहीं बनता तो देखिये चौबीस आया था यहाँ पे की चौबीस पे बनना अब दूसरी बार देखिए दूसरी बार आपने ऑब्जेक्ट रखा ट्वेंटी सेंटीमीटर पे मतलब इन दोनों के बीच में क्योंकि फोकस आपका फर्स्ट फोकस 15 सेंटीमीटर सेकंड 30 सेंटीमीटर तो 20 पे आप रख, को रखना है तो 20 कहाँ आएगा ये 15 और 30 के बीच में तो आएगा तो जब आप सेकंड में रखोगे तो इमेज आपकी फर्स्ट में बनेगी फर्स्ट में मतलब सेकंड फोकस के बाहर तो वही तो यहाँ पे हुआ जब आपने यहाँ पे रखा तो सेकंड फोकस के बाहर इमेज बनी और कहा सिक्सटी सेंटीमीटर पे तो ये आपको याद रख लेना है तो इससे आपको देखिए अब इससे आपको ये तो पता चल ही जाता कि सेकंड फोकस के इससे आपको ये पता चलता कि फर्स्ट और सेकंड फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट जब रख रहे हो 20 सेंटीमीटर पे तो इमेज अबे जाएगी ठीक है ये तो पता चल ही जाता है अबे कैसे हमको पता चलता है क्योंकि सेकंड में हम रख रहे हैं फर्स्ट में बनता तो फर्स्ट में जब बनता तो देखिए ये मिरर से दूर भाग रही इमेज तो अबे तो देखिये दो ऑप्शन तो ऐसे आपके कैंसिल हो तो टू टूवर्ड्स दिया है दो में टूवर्ड्स तो दिया है कि टूवर्ड्स द मिर टूवर्ड्स द मीर तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाते तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन में आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके नीट 2016 में पूछा गया था टू आइडेंटिकल ग्लास म्यूजी कल टू थ्री बाई टू इक्व कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ एफ

ये हो जाएगा इक्वी कॉन्वेक्स के लिए और जब इक्वी कान आ जाए तो बस इसी में माइनस कर देना ठीक है ठीका? और कुछ नहीं करना है टू म्यू माइनस वन ठीक है इससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में ठीक है ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा अगर इसको आप याद कर लोगे तो देखिए अब यहां पर हमको क्या करना है तो पहले आप एफ और आर में रिलेशन निकालोगे तो अगर फार्मूला आपको पता ही होगा वन बाई एफ इज कल टू म्यू माइनस वन अपान वन अपान आर वन माइनस वन अपन आर टू तो देखिए वन बाई एफ म्यू को वैल्यू दिया थ्री बाई टू थ्री बाय टू मतलब क्या हो जाएगा डेढ़ डेढ़ में एक घटाओगे तो पॉइंट फाइव मतलब आधा बचेगा ठीक है वन अपान आर ठीक है इक्की कानवेक्स है तो दोनों का आर आर वन अपान आर अभी से चलोगे तो प्लस मिलोगे अब यहाँ जब आ जाओगे तो इससे आर निकालोगे तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस आर आर टू जब करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है तो वन बाई एफ इजकल टू वन बाई टू और ये हो जाएगा टू बाई आर तो ये कैंसिल होगा तो वन बाई एफ इजकल टू वन बाई आर तो ये आर ये तो मैंने निकाला आपको क्या करना है जब भी डिफ्लेक्टिव इंडेक्स थ्री बाय टू दिया जाए क्यू लेंस हो तो आप समझ जाना एफ इजकल टू आर होगा ठीक है अब जितनी चीजें आप याद कर सकते हो भाई याद करो यही चीजें आपके टाइम बचाएंगे एग्जाम में ठीक है तो एफ इजकल टू आर यहाँ पे आ गया अब देखिए हम फार्मूला लगाएंगे तो अब इसका एफ निकालो इसका एफ निकालो इसका एफ निकालो अलग अलग निकाल के तीनों का जोड़ दो तो देखिए अब ये तो मैंने आपको बता दिया बताने की जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे अब देखिए शुरू करते हैं हम लोग तो पहले हम लोग इसका फोकल लेंथ निकाले तो फार्मूला लगाना है आर अपॉन एक घटाओगे तो आधा बचेगा ठीक है तो आर तो तो आ, गया, सीधे, यहां पे ये 2 आ गया अब दूसरी बार इसका निकालना है तो ये इक्व कान केव हो जाएगा ठीक है तो इक्व कानव के लिए मैंने क्या बताया बस माइनस कर देना है तो माइनस लगा लो आर टू म्यू की वैल्यू यहाँ फोर बाई थ्री है तो फोर बाई थ्री माइनस वन ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू और ये जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा थ्री और ऊपर बचेगा वन तो वन बाई थ्री तो थ्री ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री आर बाई टू ये होगा आपका एफ टू ठीक है तो फिर वही आ जाएगा क्योंकि क्यों सेम लेंस है दोनों इक्की तो सेम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी है तो सेम तो वही हो जाएगा आर अब तीनों का ऐड कर दो ठीक है तो वन बाई एफ इजक्वल टू वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू प्लस वन अपान एफ थ्री ठीक है

ठीक है अब देखिए आर और आर कैंसिल हो जाएगा थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस अब यहाँ थ्री आर है तो ये क्या बचेगा टू और यहाँ पे प्लस आर और आर कैंसिल हो जाएगा थ्री तो थ्री और थ्री सिक्स माइनस टू तो हो जाएगा फोर बाई थ्री आर तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री आर बाई फोर अब देखिए आर की जगह हम लोग एफ लिख सकते हैं ये हमने निकाला हुआ है ठीक है एफ इजकल टू आर तो सीधा यहाँ पे लिख दो थ्री एफ बाई फोर ये होगा आपका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इस तरह आप लगा आप देखिए पूरा पेज भर गया यहाँ पे देखोगे आप तो बहुत बड़ा लग गया लेकिन ये बड़ा होता नहीं है बस सिंपल ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं तो इससे जब आप करोगे ना खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कई चीजें आप इसमें सॉल्व कर सकते हो जो लिखना ही नहीं पड़ेगा जैसे एफ वन इज टू आर आ गया था एफ टू इज्कल टू आर आ गया था इसे यहाँ पे एफ वन इज टू आर आ गया था एफ थ्री इज्वल टू भी आर आ गया था और इसका क्या आया था एफ टू की वैल्यू माइनस थ्री आर बाई टू बस तीनों को रख के बस एड कर देना था तो आर आर वन बाई आर करोगे तो टू बाई आर हो जाएगा ठीक है वन अपन आर वन अपन आर करके जोड़ोगे तो टू बाई आर हो जाएगा तो इसको सीधे लिख सकते थे आप टू बाई आर तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इतने स्टेप तो ये आप सिंपली ऐसे कर सकते हो बाकी आप फार्मूला लगाना चाहें तो फार्मूले से भी कर लेना तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए आप लोग पूरी वीडियो देख लिए हैं तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो कुछ भी इसमें कोई भी पॉइंट आपके समझ में आया हो तो जरूर लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए जिससे हमको पता चले कि हाँ ये आपके काम की चीज़ें हैं आपको मज़ा आ रहा है आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा ठीक है तो चलिए इसमें इतना ही रखते हैं थैंक यू